इस सब संस्था में जुड़ी हुई है क्या है? मैं इन संस्था से जुड़ी हुई हूँ एक साल से, लेकिन मुझे पिछले 6 दिन से काम करने का मौका मिल रहा है। मैं करती हूँ 6 दिन से। कितने लोग रोज खाना खिलवा रहे हैं? अभी पर डे हम लोग 250 से 300 लोगों को खाना खिला रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक बांट रहे हैं आप? कहाँ से? एक यहाँ ज्ञान भवन, दूसरा हम लोग खिला रहे डीपी गोलम्बर जो है उसके नीचे, और रात जहाँ लोग मिल जाते हैं, जहाँ बैठे होते हैं चौक चौराहे, जहाँ पे बैठे होते हैं हम लोग उनको सेवा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे गवर्नमेंट भी खिला रही है और हम लोग भी खिला रहे हैं, अब सब काम सरकार करेगी तो जनता भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब कैसा लगता है आप लोग को गरीबों को खाना खिलाए, क्या महसूस होता है? सबसे पहली बात कि हम लोग तो अपने मन की संतुष्टि के लिए और जो हम लोग से हो पा रहा है हम लोग बस उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि हाँ भाई हम इन लोगों को खाना खिला रहे हैं। एहसान तो ये लोग हम पे कर रहे हैं ना कि हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, हम लोग अपने मन की खुशी के लिए और जितना हो रहा है हम लोग। आप लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं, काफी दिनों से आप लगे हुए हैं, कैसा महसूस होता है लोगों का आने के लिए? लोगों की सेवा करके अच्छा लगता है और हम लोग को शक्ति मिलती है और मन करता है कि आगे भी इसी तरह सेवा करते रहे। अब तक हम लोग 20 दिनों से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों का पेट भरने का काम पटना के विभिन्न एरियो में हम लोगों ने किया। आप लोगों को सहायता कहाँ से मिल रही, हिम्मत कहाँ से मिल रही? हम लोग सारे यंग्स बैच हैं, सारे यंग्स हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं और सब यूथ हैं और सब साथ मिलकर काम करते हैं, तो हिम्मत और ताकत दोनों मिलती है। पूरी टीम कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए आपसे? इस टीम में सर बहुत सारे लोग, बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं, पुणे है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पटना के भी बहुत अलग अलग एरियो में से लोग जुड़े हुए हैं। ये आप लोग को जो यहाँ राशि कहाँ से उपलब्ध होती है? ये सारे हम लोग स्कूल के कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं और जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में हम लोग कंट्रीब्यूट करके कर लेते हैं। क्या क्या चीज दे रहे हैं आप खाना? इसमें सर अलग अलग मटेरियल रहता है, कभी वेज पुलाव रहता है, कभी पूरी सब्जी रहता है, कभी फल रहता है, इस तरह का हम लोग चेंज करके देते रहते हैं। कब तक चलाएंगे इस तरह? जब तक लॉकडाउन रहेगी और जब तक क्षमता रहेगी सर हम लोग अपना जमीन स्तर पर। पटना सिटी से लेकर राजा बाजार, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, कंकड़बाग, एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड, डाक बंगला चौड़ा, जीपीओ नंबर तक हम लोग की सेवा 20 दिन में चल रही है। एक दिन में करीबन 300-350 पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या नाम हमारा? नाम हसन अली हो गया, और टीम सेवा के अध्यक्ष।